नमस्कार, मैं रोहित मीडिया दरबार में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां पर रिवॉल्वर, राइफल, स्नाइपर से लेकर AK-47 और रॉकेट लॉन्चर तक खुलेआम बिकता है। इसके अलावा यहां पर आप इटालियन राइफल, रशियन कालाकोव, अमेरिकन म्यूजिलेट, 9mm हैंडगन, रॉकेट लॉन्चर भी आसानी से ले सकते हैं। बस कीमत चुकाइए और ले जाइए जो आपको चाहिए। दरअसल जिस जगह की बात हम कर रहे हैं, यह वह जगह पाकिस्तान में स्थित है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर चल रहे इस कारोबार को सरकारी संरक्षण तक प्राप्त है। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर इस कारोबार में बच्चों से लेकर बड़ों तक सब शामिल है। इस पूरे इलाके में सैकड़ों दुकानें हैं जहां पर आपको एक से बढ़कर एक हथियार शोकेस में टंगा हुआ दिखाई दे जाएगा। हर तरफ में ऑटोमेटिक वेपन को जांचने के लिए यहां पर बाकायदा शूटिंग रेंज तक बनी हुई है। फोन से भी सस्ती बिकती हैं बंदूकें। और तो और, आप सोच रहे होंगे कि इसका लाइसेंस तो होगा ही। नहीं जनाब, इसका कोई लाइसेंस नहीं होता। शायद इसीलिए पाकिस्तान को आतंकवाद का गढ़ कहा जाता है। पाकिस्तान अपराध जगत वालों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं है। 1980 के दशक में ओसामा बिन लादिन के लिए यहां की मार्केट बेहद खास थी। वह यहां से भारी मात्रा में हथियारों की खरीद करता था। उस दौर में यह मार्केट खूब परवान चढ़ी। यहां पर 9mm पिस्तौल और AK-47 की सबसे ज्यादा मांग रहती है। मौजूदा समय में यहां पर AK-47 की कीमत महज 12,000 रुपए है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीन और रशियन राइफल्स जहां 2,00,000 रुपए में मिलती है, उसके लिहाज से यह कीमत काफी कम है। पाकिस्तान को ऐसे ही आतंकवाद का गढ़ नहीं कहा जाता। इस वीडियो से आपको पता चल गया होगा। अब मैं आपको SFG की GTTI को लेकर एक रिपोर्ट बताता हूं, और ये रिपोर्ट मैं अब क्यों बता रहा हूं ये बाद में क्लियरिफाई करूंगा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सीरिया से भी अधिक खतरनाक देश बताया गया है। पाकिस्तान आतंक का घर, आतंकवाद का समर्थक और आतंकवाद फैलाने वाला देश है, जो सीरिया से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बना पाकिस्तान आतंकवादियों का सबसे बड़ा पनाहगाह देश है, और तालिबान, लश्करे तैयबा जैसे खतरनाक आतंकी संगठनों ने पूरे विश्व में मानवता के खिलाफ काम किया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान को खतरनाक आतंकी अड्डों व आतंकवादियों के लिए सुरक्षित देशों की सूची में भी रखा गया है। यदि हम तथ्यों और आंकड़ों के लिहाज से सबसे खतरनाक आतंकवादी समूहों को देखें, तो पाकिस्तान उनमें से अधिकतर आतंकी संगठनों का या तो मेजबान है या फिर उनकी सहायता करता है। अफगानिस्तान में आतंकवादी समूहों की बड़ी संख्या में पाकिस्तान के समर्थक से संचालित होती है। पाकिस्तान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन जैसे देशों से जुड़ी खतरनाक आतंकी संगठनों की सूची भी जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि अकेले पाकिस्तान में सबसे अधिक आतंकी संगठन है। जिस देश में इतनी बड़ी आतंकी फैक्ट्री खुलेआम चलाई जा रही है, वो भी सरकार के संरक्षण में, ऐसे देश से और क्या उम्मीद की जा सकती है। बंदूकों के साए में रहने वाला पाकिस्तान तब तक विकास नहीं कर सकता जब तक वहां धार्मिक कट्टरता, आतंकवाद को पनाह देना पूरी तरह खत्म ना हो जाए। पर जहां सियासत ही धार्मिक कट्टरता के इशारों पर काम करे, क्या वह देश कभी तरक्की कर सकता है? अब सवाल ये उठता है कि यह देश कब तक आतंकवाद को पनाह देता रहेगा, और तो और UNO कब तक पाकिस्तान पर इतना मेहरबान होता रहेगा। खबरें विस्तार से जानने के लिए हमारी वेबसाइट www.mediadarbar.tv पर विजिट करें। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उसे सब्सक्राइब करें।